हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और शाम के बज रहे हैं 4 और मैंने सोचा कि थोड़ी देर आप लोगों से बात कर ली जाए, क्योंकि रात को हम लोग आने में बहुत लेट हो गए थे और मैंने अपनी वीडियो का एंड उधर ही कर दिया था। मैंने बोला कि घर जाएंगे, कब वीडियो जाएगा पता नहीं, तो इसलिए यहीं पर एंड कर देते हैं। और रास्ते में ही उसको एडिट कर दिया था और आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा मेरा वीडियो। तो कैसा लगा झांकी वाला वीडियो, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और बस ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं किया मैंने और थोड़ी थोड़ी क्लिप ही सब चीज़ों की डाली है। और आप लोग कैसे हैं। और रात को हम लोग बहुत लेट हो गए थे इसलिए थोड़ा सा घर पे आके मैं सो गई थी। और बाहर देखिए अभी तो धूप है और अच्छा लग रहा है, वैसे बाहर अच्छा मौसम है। तो आप लोग कैसे हैं और नवरात्रि कैसे चल रही है। जब थक जाते हैं ना फिर कोई काम करने का मन होता नहीं है। और कल तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और इतना ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। और कल हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा वो भी मैं आप लोगों को नहीं बता पाई। बच्चों ने इतने सारे खिलौने ख़रीदे, बहुत सारे, और मैं वो आप लोगों को बताऊँगी। और हम लोगों ने भी बहुत सारा सामान कुछ कुछ ख़रीदा और सबसे ज़्यादा जूते चप्पल सैंडल वगैरह हम लोगों ने ख़रीदा, क्योंकि वहीं पर एक हॉल लगा हुआ था तो बहुत अच्छे अच्छे सैंडल वगैरह, स्लीपर, बच्चों के सैंडल बहुत अच्छे अच्छे थे और बहुत मजबूत भी थे। तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ परचेस किए हैं और उनको मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक और आ जा करके देखिएगा हमारे भोपाल की झांकी कि किस तरीके से लोगों ने बना करके रखी है इतने मुसीबत के टाइम में भी। और इतना कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम में देखिए एक दूसरे के पास जाने से भी इंसान घबरा रहा है। और कुछ लोग देखिए अपने कितनी शिद्दत से, कितने अच्छे तरीके से भगवान की, माता रानी की सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए बेटा जी आ गए हैं। क्या हुआ, आज बेबी और यीशु को बार बार सब लोग कन्या भोजन में बुला रहे हैं। तो देखिए, और ये देखिए हमारे इधर पेड़ पौधे लगाने वाले लोग लगे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मिट्टी कम हो गई थी, कहाँ है मिट्टी, तो ये मिट्टी डाल रही हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पेड़ में तो कहाँ जा रही हो बेबी? अंजलि इसको काटने सकते हैं। कन्या भोजन करने। कन्या भोजन में क्या मिलता है? खाना। खाने में क्या? सब्जी आलू की। तेज बोलो। सब्जी आलू की। और? पूरी। पूरी और? खीर। खीर और? और कुछ है? और कुछ नहीं। आज इनका कन्या भोजन का दिन है। देखिए टीका लगा हुआ है और पूरा दिन से कन्या भोजन चल रहा है। और कन्या भोजन खा खा के आज मोटी हो जाएगी। ये तीन कैसी हो जाएगी बेबी मोटी? कैसे हो जाएगी गाय? कैसे हो जाएगी बेबी मोटी? कितनी मोटी? ऐसे देखो हाथ पैर इतने मोटे हो जाएंगे, है ना? कैसे गाल कैसे हो जाएंगी फिर? ऐसे देखो कन्या भोजन में ही होंगे, ऐसे घर में खाना खाने से नहीं होंगे, है ना? है ना? और क्या क्या खाते हो कन्या भोजन में? कुछ नहीं। और कुछ नहीं, चलो जाओ। तो देखिए इधर आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैं न्यू रेसिपी बना रही हूँ। ये है सिमई, जो घर में बनाते हैं, किसी किसी के घर में बनती होगी, अधिकतर लोगों के घर में वही है सिमई जो आटे से हम लोग बनाते हैं गर्मियों के मौसम में। तो आज मैं इसको चाउमीन की तरह बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिमई को कढ़ाई में डाल दिया है और हल्का हल्का सेक लूँगी मैं इसको। तो इसमें मैंने रिफाइंड वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस कढ़ाई में ऐसे सेक लूँगी और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। आज मैं ये न्यू डिश बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा सिमई को जो है मीठे तरीके से ही बनाया जाता है, बट आज मैं इस तरीके से बनाऊँगी और ये चाउमीन के जैसी बनना चाहिए वैसे। तो अब देखते हैं कैसी बनती है, आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ। और अब मैं इसमें सोया बड़ी डाल देती हूँ। तो देखिए सोया बड़ी मैंने डाल दी है और अगर ये अच्छे से बन गई तो हमारे घर की न्यू डिश तैयार हो जाएगी, एक और डिश। तो ये देखिए इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल भी डाल रही हूँ मैं और थोड़ी ही बना रही हूँ, मतलब फिर भी सब लोग खा लें इतना बना रही हूँ। क्योंकि अब नमक भी डाल रही हूँ, क्योंकि आज नई तरीके से बना रही हूँ तो शायद अच्छी बन जाए, तो देखते हैं। और माइक्रोनी भी इसमें ऐड कर दूँगी, बिल्कुल चाउमीन के जैसे बना रही हूँ, जैसे मार्केट में या घर में हम लोग चाउमीन बनाते हैं ना वैसे।
तो अब इसको बॉयल होने देते हैं 5 मिनट, 4-5 मिनट में अच्छे से बॉयल हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो सब चीज़ बॉयल हो गई है और अब मैं इसको चल्ली में निकाल लूँगी। तो छेद वाली चल्ली होती है ना, उसके नीचे मैंने थाली रख ली ताकि गीला ना हो, तो इसलिए इसमें मैं इसको निकाल लूँगी। और ये देखिए, मैंने प्याज और टमाटर ऑलरेडी कट करके रखा ही हुआ था और उनको रिफाइंड ऑयल डाल करके उनको डाल दिया है। और इनको हमें ज़्यादा तलना भुनना नहीं है, बस गर्म हो जाए इतना ही करना है। और ये देखिए, नमक डाल दिया, सोया बड़ी डाल दी है। और अब देखिए कितनी अच्छी बेहतरीन सब्ज़ी दिख रही है, तो इतनी अच्छी दिख रही है सब्ज़ी। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बॉईल की हुई जो हमारी सिबई थी वो, और माइक्रोनी, दोनों चीज़ मिला करके अब हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए, मैं जो कांटे वाली चम्मच होती है फॉग, उसकी हेल्प से इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। आप जब भी चाउमीन वगैरह बनाएं ना, इसी स्पून से मिक्स करते हैं ना हम लोग, बहुत अच्छे से मिक्स होती है और ज़्यादा टूटती नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होती है। इसी तरीके से मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और अब जितने मसाले हैं ना घर में, गर्म मसाले, जितने तरीके के सांभर मसाले, पानी पूरी मसाला, मैगी मसाला, सारे मसाले जो भी हैं, गर्म मसाला, सब कुछ डाल दूँगी मैं इसमें, जितने भी मसाले हैं सब कुछ। और जो माइक्रोनी और पास्ता मसाला और ये चाउमीन मसाला, सब कुछ डालूंगी मैं इसमें। तो ये देखिए, आधे मसाले तो मैंने डाल दिए हैं, आधे मैं आगे डालूंगी थोड़ी देर के बाद। तो इसी की हेल्प से मैं इस तरीके से इसको मिला लेती हूँ और मिक्स कर रही हूँ मैं इसी तरीके से। तो देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, और मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी बनी है ये। और देखिए, मैं और गरम मसाले जो थे वो डाल दूँगी, क्योंकि मैंने एक बार में ही सारे मसाले नहीं डाले हैं, ऊपर नीचे ऐसे घुमा करके अच्छे तरीके से मिला करके उसको डाले हैं, ताकि सभी जगह मसाले एक ही तरीके से ना पड़े। ये मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। और देखिए, अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 से 3 बार ही इसको मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। और देखिए, बहुत अच्छी बनी है नमकीन सिबई हमारी बन करके तैयार है, चाउमीन की तरह। और देखिए, मैं इस तरीके से मिला लेती हूँ, और बहुत ही टेस्टी दिख रही थी खाने में, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा मसाला जो डाला हुआ है। तो ये देखिए, हमारी मिक्स हो गई है और प्लेट में सर्व करने के लिए तैयार है बिल्कुल। और जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी दिख रही है और अच्छी बनी है ये। मैं सोच रही थी मिक्स हो जाएंगी, और ये देखिए प्लेट में मैंने निकाल ली है 4 लोगों के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर सॉस या टमाटर केचप, जैसा भी आपको डालना हो, और चाहे तो आप धनिया पत्ती भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट आप लोगों को जो मेरे पहले से मेरे को देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरे बच्चे धनिया पत्ती नहीं खाते हैं, तो मैं धनिया पत्ती किसी भी चीज़ में नहीं डालती हूँ। और मैं ख़रीदती भी बहुत कम हूँ धनिया, अगर सब्ज़ी वाला देता भी है तो भी मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि खाते ही नहीं है, तो लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए देखिए, इस तरीके से बन गई हैं और कितनी टेस्टी दिख रही हैं। आप लोग भी आ जाइएगा, और मैं बच्चों को बुलाती हूँ और खाते हैं। क्या मिला? अच्छा, अब इनका करेंगे क्या हम लोग? आटा बनता है गेहूँ से। अच्छा, और ये पैर में देखो कितना अच्छा उल्टा पजामा पहन के रखे हैं शाम। ये देखिए पैर में किसने लगाया रंग? अच्छा, दिखाना कैसे लग रहा है पैर, दिखाना। अब पैदल तो मत चल, देखने दे सबको, कितने सुंदर पैर है देखो, है ना, कितने सुंदर पैर है गुड़िया के। क्या खाया था आज कन्या भोजन में? हलवा। और हलवा खाया था और कड़ी। अच्छा, खा लिया, पेट भर गया? अच्छा, कैसा था? बहुत गिलास भी थे। ओ बाबा, थाली भी थी। अच्छा, क्या था उनमें, क्या था थाली में? खाना और गिलास में क्या था? गिलास में क्या था? पानी। अच्छा, अब इनको रख दो, अब रखेंगे नहीं। तो ये देखिए, कन्या भोजन करके आ गई हैं, और गेहूं मिले हैं 2 पॉलीथिन में, उनको रखने का नाम नहीं ले रही हैं। और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।